हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस वीडियो में मैं आपसे कुछ शेयर करने वाली हूँ। सो लास्ट वीक गाइस मुझे गार्नियर ने ये किट भेजा था और इस किट में क्या क्या है मैंने ऑलरेडी देख तो लिया है, बट मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। सो इस किट में मुझे सबसे पहली चीज जो ये मास्क दिखा, लाइक दिस इज द सीरम मास्क, जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो शेयर किया है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है और इस सीरम को यूज़ करने के बाद आई वुड सर्टेनली से कि मेरी एक हफ्ते की जो सीरम रिक्वायरमेंट थी मेरे फेस की वो पूरी हो गई थी और इसमें इतना ज़्यादा सीरम था। सो अभी तो मैं इसको रखती हूँ। दूसरी चीज़ क्या है ये देखते हैं हम। सो द सेकेंड थिंग इज दिस माइसेलर वाटर, और ये माइसेलर वाटर का भी मैंने यूज किया था। दिस इज द पिंक माइसेलर वाटर जो कि लाइट मेकअप रिमूव करने के लिए या फिर आपके फेस को जस्ट ऐसे क्लीन करने के लिए आप यूज कर सकते हैं। इसका भी मैंने रिव्यू अपने लास्ट वीडियो में दिया है, अगर आपने नहीं चेकआउट किया है तो यहाँ पे मैं लिंक कर दूंगी, उसको जरूर चेक कर लीजिएगा। सो दिस इज द क्यूट लिटिल माइसेलर वाटर और इसके साथ एक ये टेम्पलेट टाइप का है। एंड दिस इज द लास्ट एंड दिस इज द हीरो ऑफ दिस किट बिकॉज ये न्यू लॉन्च है गार्नियर का। एंड दिस इज द विटामिन सी सीरम। सो दिस इज डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड एंड इट हैज 30 times मोर विटामिन सी एज इट सेज। और मैंने लास्ट 3 days से इसको यूज किया है। सुबह और रात को सोने से पहले मैं इसे अप्लाई करती थी जस्ट टू सी कि वाकई इट वर्क्स फॉर मी और नॉट। इट हैज ड्रॉपर और आप देख सकते हो इट इज ट्रांसपेरेंट इन कलर। जनरली जो विटामिन सी सीरम्स होते हैं ना वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, ट्रांसपेरेंट ही होते हैं, उनका कोई भी अलग से कलर नहीं होता है। तो जो विटामिन सी होता है ना वो सन के कॉन्टैक्ट में आके डीनेचर होने की प्रॉपर्टी रखता है। सो अगर आप कोई भी सीरम आप यूज कर रहे हैं विटामिन सी स्पेसिफिकली, तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि वो जो कलर है उसका वो एकदम ट्रांसपेरेंट हो। मैं आपको पहले ये बॉटल दिखा देती हूँ। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। तो विटामिन सी के ऊपर मैंने ऑलरेडी काफ़ी चीज़ें आपसे शेयर करी हुई हैं पहले भी। विटामिन सी की इम्पोर्टेंस इसलिए भी होती है जो आपके पिगमेंटेशंस वगैरह होते हैं ना उसको हटाने के लिए या फिर लाइट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं आप विटामिन सी प्रोडक्ट्स को। तो अगर मैं बात करूँ सीरम की, तो सीरम इसलिए भी मैं इम्पोर्टेंस सीरम का देती हूँ बिकॉज जब भी आप अपने फेस को क्लीन करते हैं तो आपका जो पोर है वो ओपन हो जाता है। उसके बाद जब आप सीरम लगाते हैं ना तो क्या होता है कि क्योंकि आपका पोर्स ओपन है और ये जो सीरम का जो फॉर्मुलेशन होता है ना वो बहुत लाइट वेट होता है तो अंदर जाके बहुत ही अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाता है। उसके ऊपर जब भी आप कोई भी मॉइस्चराइजर लगाते हैं ना तो वो फुल प्रूफ आपके स्किन को मॉइस्चराइज करने में हेल्प करता है। सो दिस इज द ओवरऑल रोल ऑफ सीरम जो कि सीरम प्रोवाइड करती है आपके स्किन को। अभी मैं क्या करूंगी, आपके साथ बात करते करते पहले तो मैं अपने फेस को क्लीन कर दूंगी, बहुत ही गंदा है। तो मेरे पास जो ऑलरेडी माइसेलर वाटर था ना उसी का यूज करती हूँ मैं ये, क्योंकि ये जो आया है नया माइसेलर वाटर वो ओपन नहीं किया है मैंने और ये ऑलरेडी ओपन था। तो मैं इसी को यूज करके पहले अच्छे से अपने स्किन को क्लीन कर लेती हूँ। क्योंकि घर पे ही थी मैं इसलिए मैं कहीं गई भी नहीं और सुबह सुबह ही मैंने फेस वॉश भी किया है तो इसलिए ओके आई थिंक सो थोड़ी बहुत जो गंदगी है वो निकाल दे रही हूँ मैं माइसेलर वाटर के थ्रू। सो बिफोर अप्लाइंग दिस सीरम मैं थोड़ा सा क्लोजअप देना चाहती थी आपको कि मेरी स्किन अभी कैसी है एंड आफ्टर सीरम एप्लीकेशन कैसी होगी। सो दिस इज हाउ माई स्किन लुक्स राइट नाउ। जस्ट मैंने माइसेलर वाटर से इसको फेस को अभी क्लीन किया है। सो दिस इज द सीरम बॉटल। सो इस बॉटल की एक जो सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि आप ये जो ड्रॉपर का यूज़ करके अपने हिसाब से और अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्वांटिटी ले सकते हैं, अदरवाइज कभी एक्स्ट्रा या फिर कभी कम हो जाता है। सो आई एम गोइंग टू जस्ट टेक अ लिटिल बिट ऑफ दिस विटामिन सी सीरम। आई होप आपको दिख रहा होगा। सो जस्ट लिटिल बिट और मैं अपने नेक एंड अपने फेस एरिया पे लगाऊंगी हल्का सा। मेरी जनरली ना ये आईब्रो वाली जो एरिया है ना वहां पे भी बहुत ज्यादा ड्राइनेस हो जाती है, आई डोंट नो व्हाई। तो अच्छे से मुझे मॉइस्चराइज करना और अपनी जो स्किन केयर रूटीन है ना उसको मुझे करना ही पड़ता है बिकॉज अगर किसी भी दिन अगर मैं स्किप कर जाती हूँ ना तो मेरे फेस पे दिखने लगता है। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ सीरम लगाने के बाद सो दिस इज हाउ नरिश्ड इट इज. लाइक अभी सीरम लगाने के बाद आप देख सकते हो थोड़ा बहुत यू नो ग्लो आ रहा है. ओके सो ये जो गार्नियर की किट है ये 3 दिन पहले मेरे पास आई थी और मैं इसको 3 दिन से रोज यूज कर रही हूँ और इसके बाद फिर मैं आपसे मैंने सोचा कि ये शेयर करूँ. सो दिस इज द एंटायर थिंग विच आई हैव शेयर्ड विथ यू. फिलहाल तो सिर्फ सीरम लगा के नहीं छोड़ना है, मॉइस्चराइजर भी लगानी है. तो आपके पास कोई भी मॉइस्चराइजर हो, जैसे मेरे पास जो मॉइस्चराइजर है उसको लेके मैं अच्छे से पहले मॉइस्चराइज कर लेती हूँ अपना फेस. सो ये जो विटामिन सीरम है गार्नियर का ये 30 ml का बॉटल है विच इज ऑफ 449 रुपीज. मैंने आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्लिपकार्ट का लिंक भी मेंशन कर दिया है. सो इन केस अगर आप गार्नियर का ये सीरम ट्राई करना चाहते हैं तो आप वहां पे उस लिंक को क्लिक करके परचेज कर सकते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट विटामिन सी सीरम. दिस इज अ न्यू लॉन्च ऑफ गार्नियर. इंडिया में अभी लॉन्च हुआ है, नया नया ही आया है ये सीरम और मैंने सोचा कि आपसे मैं ये शेयर करूँ कि लाइक अगर आप अपने स्किन पे इसको लगाते हैं तो कैसा डिफरेंस फील होता है. तो मैंने सोचा आपके साथ मैं ये शेयर करूं कि मैं जब नॉर्मली घर पे बेयर फेस रहती हूँ, वैसे तो मैं घर पे किसी तरह का कोई मेकअप नहीं करती हूँ और इनफैक्ट बाहर जाने के समय भी मोस्टली अवॉइड करती हूँ, तो वो जो स्किन की रूटीन है ना मैं क्या फॉलो करती हूँ आई जस्ट वॉन्टेड टू शेयर इट विथ यू. So make sure to include all these steps while performing your daily skincare routine. So guys, I hope आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ बिग फैट थम्स अप. ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो. थैंक्स फॉर वॉचिंग.